सो हेलो गाइज, ऑटोमेशन की इस सीरीज़ में आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग अनआंसर्ड जो मैसेज आते हैं हमारे पास, उनको कैसे हम ऑटोमेटिक रिप्लाईज कर सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए हैं जिनका हमने अभी तक कोई रिप्लाई ही नहीं किया है। और ऐसे रिप्लाईज़ को अगर आप ऑटोमेटेड रिप्लाईज भेजना चाहते हो सो दैट कि वो कस्टमर आपको रीच आउट कर सके दोबारा, या फिर आप उसको रीच आउट कर सको, इसके लिए आपको ऑटोमेशन सेटअप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब भी हम किसी कस्टमर की प्रोफाइल को ओपन करते हैं तो आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिलती हैं। आज इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला आपको ऑप्शन मिलता है मूव टू स्पैम का। अगर आपको कोई ऐसा बंदा मैसेज करता है जो कि बिल्कुल आपके साथ किसी स्पैम मैसेज के साथ आपको मैसेज किया हुआ है, तो आप यहाँ से उसको मूव टू स्पैम में कर सकते हैं। अगर आपको कन्वर्सेशन को डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर पर्सन को फॉलो अप करना चाहते हैं तो आप इसको मार्क एज फॉलो अप कर सकते हैं। और यहां पर आपको एक स्टार देखने को मिलेगा, यानी कि इससे आपको यह पता चल जाएगा कि इस बंदे को आपको फॉलो अप करना है अभी। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जिन लोगों के पास इंस्टाग्राम और फेसबुक से मैसेज आ रहे हैं कस्टमर्स के, तो अगर आप इस इनबॉक्स फीचर का इस्तेमाल करते हो तो आपके काम ना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है मार्क एज अनरीड का, मतलब अगर आप मैसेज को ना अनरीड शो करना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको मार्क कर सकते हो इजिली कि यार ना आपको इसको दोबारा से क्या करना है, रिप्लाई करना है। आप इसको मार्क एज अनरीड कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप इस पर्टिकुलर मैसेज को एज अ इम्पॉर्टेंट मैसेज सेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका एज अ इम्पॉर्टेंट मैसेज सेट हो जाता है। देन इसके बाद में अगर आपका ये कस्टमर क्लोज हो जाता है, ये लीड क्लोज हो जाती है, तो आप यहाँ पर मूव टू डन में भी कर सकते हो और यहाँ से आपका प्रॉस्पेक्ट है या फिर जो भी कस्टमर है वो आपका डन में चला जाएगा। देन इसके बाद में अबाउट में आप इसकी प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ पर अबाउट में आप ऐड डिटेल्स पर क्लिक करके आप इसके बारे में कुछ एक डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। पेज कॉन्टैक्ट टर्म्स सर्विसेज हैं जिनको आप रिव्यू कर सकते हैं यहाँ से। इंस्टाग्राम प्रोफाइल की पूरी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर लेबल्स लगा सकते हैं। दोस्तों, लेबल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपके पास काफ़ी सारे कस्टमर्स आते हैं तो आप उनको लेबल लगा सकते हो, कौन आपका नया कस्टमर है, किसने पेमेंट कर दिया है, किसकी पेमेंट बाकी है, कौन सा कोल्ड है, कौन सा वार्म है, कौन सा हॉट है। तो लीड के स्टेटस के हिसाब से आप यहाँ पर लेबल्स को असाइन कर सकते हैं। अगर कोई आपको नोट डालना है इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में तो आप यहाँ से नोट भी सेट कर सकते हैं। तो ये तो एक बेसिक ओवरव्यू है कैसे हम जो भी हमारे पास कस्टमर्स मैसेजेस करते हैं उनको हम यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पर आप इनका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो। मतलब ये आपका एक तरह का मिनी CRM की तरीके से काम करता है। अब हम आ जाते हैं ऑटोमेशंस में, और ऑटोमेशन में जाने के बाद में हम लोग यहाँ पर आइडेंटिफाई अनआंसर्ड मैसेज पर क्लिक करेंगे, यानी कि यहाँ पर फाइंड मैसेज दैट हैवंट रिसीव्ड अ रिप्लाई। जिन बंदों को आपने रिप्लाई नहीं किया है उनके लिए आप ऑटोमेशन कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपको इसको ऑन कर लेना है। ऑन आप बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने चैनल को सेलेक्ट कर लेंगे। हम दोनों जगह चाहेंगे कि मैसेंजर और इंस्टाग्राम में हम इसको रिप्लाई करें। उसके बाद व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि ये इवेंट जो है आप कब चाहते हो कि हो, तो इसके लिए अ मैसेज हैज नॉट रिसीव्ड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम वेंड सॉफ्टवेयर आफ्टर अ सेट अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम तक अगर वो बंदा आपसे कोई रिप्लाई नहीं पाता है उस केस में आप उसको एक ऑटोमेटेड रिप्लाई भेज सकते हैं। ये टाइम आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, 6 आवर अगो, 12 आवर अगो या फिर 24 आवर अगो। तो मैं यहाँ पर 6 आवर अगो ले लेता हूँ। देन उसके बाद में टेक दिस एक्शन, यानी कि अब आप करना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर आप उसको कोई रिप्लाई तो नहीं कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको काफ़ी सारे एक्शन दिए गए हैं जिनको आप सेट करके उसको मार्क कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर सेलेक्ट एन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मार्क एज फॉलो अप का ऑप्शन है, यानी कि वो ऑटोमेटिकली मार्क हो जाएगा फॉलो अप के लिए, ताकि आप उसको दोबारा से मैसेज कर सकें। उसी तरीके से मार्क एज अनरीड का ऑप्शन है, यानी कि वो ऑटोमेटिक अनरीड हो जाएगा अगर 6 घंटे तक आपने फॉर एग्जांपल मैसेज देख भी लिया और मैसेज देखने के बाद भी आपने रिप्लाई नहीं किया है तो भी वो मार्क एज अनरीड शो हो जाएगा। या फिर अगर आप कोई लेबल ऐड करना चाहते हैं, जैसे आपने एक लेबल ऐड कर लिया कि नॉट रिप्लाइड के नाम से एक लेबल बना लिया और उस लेबल में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मार्क एज अनरीड ले लिया, या फिर आप मार्क एज फॉलो अप भी ले सकते हैं। और ऐसा करने के बाद हम लोग सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे, और सेव चेंजेस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको आइडेंटिफाई अनआंसर्ड मैसेज का स्टेटस ऑन कर देना है। और जैसे ही आप इसके स्टेटस को ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐसे मैसेजेस जो आपके पास आए हैं बट आपने उनको सीन नहीं करा है, तो 6 घंटे तक वेट करने के बाद ऑटोमेटिक जो हमने लगाया है मार्क एज फॉलो अप, यानी कि ये वाला सिंबल आपका यहां पर स्टार का सिंबल देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। कल वाली क्लास में हम लोग आगे के ऑटोमेशंस को बनाएंगे। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या ग्रुप में। और आगे आप किन किन ऑटोमेशंस को सीखना चाहते हैं और हमसे क्या सीखना चाहते हैं, हमारा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगता है, मुझे ज़रूर बताएं कॉमेंट करके। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।